यार इधर हो। अरे आओ ना, अरे आपको बुला रहा हूँ, इधर हो। जो मूवी अभी बताने वाला हूँ ना, किसी को भी मत बताना, यह आपके लिए गिफ्ट है। अब जाओ जाओ, बस इतना ही था। तो यार रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल ने कल रात को ही 20,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, और यार मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मतलब इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको मतलब चेहरे से बता नहीं सकता। अगर मैं आपको अपने मन में दिखाऊँ ना, तो इतनी खुशी हो रही है मुझे। फिल्म बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, मतलब उसने लोगों के दिल को बहुत ज्यादा टच किया, और उस फिल्म का नाम था थ्री, यानी कि उसका नाम मोनू मूवी भी है। और यार रिसेंटली वो हिंदी डब में हुई, और इतनी ज्यादा वायरल हुई क्योंकि यार मतलब उस फिल्म में लव स्टोरी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कड़ा इमोशन था, जिसमें आपको रोना आ जाता। तो यार यहाँ पर मैं आपको मोनू मूवी से 6 अच्छी मूवी बताने वाला हूँ, जिसमें आपको सिमिलैरिटी दो चीजों में देखने के लिए मिलेगी, एक तो लव और दूसरा पेनफुल यानी कि रोना। लव और रोना, ये दोनों ही चीजें सारी सारी जो 6 मूवी मैंने सेलेक्ट किया है उसमें बिल्कुल कॉमन है। तो यार अभी जो ये लिस्ट है उसका नाम है 3 से भी अच्छी 6 लव स्टोरी मूवी, जिसको देखकर आपको अंदर से रोना आ जाएगा, मतलब यहां तक चढ़ जाएगा। तो यार नंबर 6 पर जो मूवी आती है उसका नाम है का पई राणा सिंघम। अभी से कुछ दिन पहले ये हिंदी डब में रिलीज होकर आई। तो यार अगर इस फिल्म की हम थोड़ी सी बात करें कि इसमें स्टोरी किस तरीके का दिखाया गया, तो यार इसमें स्टोरी है जो बाहर लोग काम करने जाते हैं ना, जैसे दुबई ये सब जगहों पे, वहां पर अगर कोई आदमी मर जाए तो वो कैसे घर वापस आएगा, इसी सब चीज़ की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। बहुत ही डाउन टू अर्थ मूवी है, मतलब बहुत ही नीचे लेवल पर जाके, सरकारी लेवल पर जाके दिखाई गई है कि कैसे कैसे हमारे नीचे काम होता है, पूरा सिस्टम ऊपर तक कैसे काम करता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं आपको कैसे कैसे ये फिल्म देखने के लिए मिलेगी। पहले इसमें लव दिखाया जाएगा, फिर रोना, फिर लव, फिर रोना, फिर लव, फिर रोना, फिर लव। इस फिल्म का आप मजा चाहते हो तो सिर्फ आपसे ये एक चीज मांगती है मूवी, वो है थोड़ा सा पेशेंस। अगर आप इस फिल्म में थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखोगे ना शुरुआत में, तो यार लास्ट में ना आपको रोना एकदम इधर तक आएगा। यार ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है, और कहां से देखना है इन सब चीजों के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। यार नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है दिया। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना यार, सबसे ज्यादा पेनफुल मूवी में ये आती है दिया। अब यार इस फिल्म को मैं सबसे ज्यादा पेनफुल मूवी क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा प्लॉट आपको बताता हूँ। इस फिल्म में यार जो लव स्टोरी है ना, वो उसका ग्राफ ऐसे 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 ऊपर जाता है और धड़ाक से नीचे गिर जाता है। मतलब इस फिल्म के क्लाइमेक्स में ना, जो बंदा नहीं रोया ना उसके दिल को मैं मान जाऊंगा। मतलब सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो यार प्लीज इस फिल्म से दूर रहना। मतलब 3 से भी ज्यादा कोई इमोशनल मूवी मुझे आज तक लगी है ना, तो वो दिया। इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ फिल्म आपको मलयालम मूवी में देखने के लिए मिलेगी। और इस फिल्म का हिंदी डब आने के चांसेस हैं या नहीं, इसके लिए आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर सकते हो, मैंने उस पर पहले ही वीडियो बना दिया है। अब यार नंबर 4 की मूवी बताने से पहले मैं आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूँ, यार नंबर 1 की मूवी किसी भी हाल में मत छोड़ना, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ जोड़ के रिक्वेस्ट। अब यार नंबर 4 पर जो मूवी आती है उसका नाम है दिल बेचारा। सब लोगों ने लगभग नाम सुन ही लिया होगा, और बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देख भी ली होगी, लेकिन यार फिर भी मेरा फर्ज है बताना। तो यार इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सटीक मूवी ये बैठ रही थी, और 3 मूवी से बहुत ज्यादा, मतलब इसमें रोना तो हद से ज्यादा है। तो यार इसमें भी अगर किसी ने नहीं देखा है बाय द वे, तो उसको मैं बताना, सुशांत सिंह राजपूत की ये लास्ट फिल्म है, तो इसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जरूर से जरूर देखें, इसमें बहुत ही ज्यादा इमोशन भरा हुआ है। किसी ने भी मिस किया तो जरूर जाकर देख लेना। लव स्टोरी कहानी है, सबको अपने ट्रेलर देख के पता चली होगा कि कैंसर वाली लड़की से प्यार हो जाता है। और उसके बाद नंबर 3 पर जो मूवी आती है वो धनुष की ही मूवी है, उसका नाम है मरियन। अब यार इस फिल्म में ऐसा क्या है जिससे आपको रोना आ जाए? तो यार इस फिल्म में ऐसा है, तो यार फिल्म की स्टोरी लगभग का पई राणा सिंघम की जैसा है, जैसे विदेश में जो लोग काम करने जाते हैं और वो एक ऐसे ट्रेजेडी में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो घर नहीं आ पाते धनुष, तो यार वो कैसे कैसे बच कर वहां से आते हैं, और इस चीज में ही लव स्टोरी को डालकर दिखाई गई है। इंडिया में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, तो इस सब चीजों को तड़प में देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और यार इसमें धनुष की एक्टिंग और परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग लेवल की है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। तो यार एक बार आपको इस फिल्म को जरूर चेकआउट करना चाहिए, हिंदी डब में गोल्ड माइंड टेलीफिल्म चैनल पर अपलोडेड है। नंबर 2 की मूवी लगभग सबने देख रखी होगी, लेकिन किसी ने नहीं देख रखी तो इसका नाम है यार कल हो ना हो, शाहरुख खान की मूवी है, सबको पता है। तो यार मैं इस लिस्ट में इसको क्यों डाल रहा हूं वो भी सबको पता होगा, क्योंकि इसमें शाहरुख खान को कैंसर हो गया होता है, और फिर भी वो एक जिंदगी को अलग नजरिए से देखते हैं, और इसमें लव स्टोरी को भी डालकर बहुत ही अलग ही तरीके से दिखाया गया है। मतलब आपको हर वक्त इसके सीन में एक रोना सा आता रहेगा, और इस फिल्म का क्लाइमेक्स उसी तरीके का है, मतलब हद से ज्यादा रोने वाला क्लाइमेक्स है इस फिल्म का।
मतलब इस फिल्म का क्लाइमेक्स हद से ज्यादा रोने वाला है। तो यार इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने मिस कर दिया हो तो, और अगर देख भी लिया है तो फिर से एक बार देख लीजिए यार, हिंदी डब में तो मिल ही रहा है। अब यार मैंने आपको क्यों कहा था कि नंबर वन की मूवी जरूर से जरूर देखना, जरूर से जरूर देखना, ये इसलिए कहा था यार क्योंकि नंबर वन पर जो मूवी आती है उसका नाम है यारिया। अब यार मुझे किसी किसी ही फिल्म में अचानक से, मतलब मैं देख रहा हूँ अचानक से फिल्म और अचानक से एक पॉइंट पर जाकर रोना आ जाए, ये किसी किसी फिल्म में होता है और वो फिल्म थी यारिया। इसीलिए यार मैंने इस लिस्ट में इस फिल्म को डाला था। अब यार ये फिल्म थोड़ी सी स्पोर्टी लुक में आती है और कॉलेज से रोमांस की तरफ से आती है, मतलब कि कॉलेज में कुछ बच्चे हैं, कॉलेज की लाइफ स्टाइल दिखाई गई है, उसी में लव स्टोरी दिखाई गई है और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है मूवी में जिसमें आपको रोना आ जाता है। थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में भी है मूवी, फ्रेंडशिप लुक में है, तो मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन है एक रोने का और एक लव स्टोरी का, बहुत सारी चीज़ों का इसमें ओवरऑल कॉम्बिनेशन है कॉलेज लाइफ का। तो बहुत ही बढ़िया मूवी है यार, जरूर से जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, हिंदी डब अवेलेबल है इस फिल्म का। अब यार मैं बात करता हूँ कि मतलब छह मैंने मूवी जो बताई और उसके साथ जो मैंने थ्री मूवी का नाम लिया है, अगर वो फिल्म अभी तक आपने नहीं देखी या फिर आपको कहीं पर मिल नहीं रही है तो उसके लिए यार सिंपल सा सीधा सा उपाय है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आना है और सीधा एक मैसेज करना है मूवी का नाम लिख के और मैं आपको कोशिश करूँगा, कोशिश यार, कि आपको वो मूवी मिल जाए। ये छोटी सी लिस्ट हमारी जो कि मैं बहुत ही सेलेक्ट करके लिस्ट लाता हूँ यार, बिल्कुल भी आलतू फालतू मूवी नहीं डालता। तो यार प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, गुड बाय।